Assalamualaikum everyone. Welcome to Quantum Mechanics 2. आज का हमारा टॉपिक है टाइम इंडिपेंडेंट डीजनरेट परटर्बेशन थ्योरी इसका आज हम पार्ट वन डिस्कस करेंगे इससे पहले हमने नॉन डीजनरेट केस को सॉल्व किया था और उसमें हमने उसकी फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी और वेव फंक्शन और सेकेंड आर्टो कलेक्शन इन एनर्जी कैलकुलेट की थी तो उससे भी पहले हमने ये फर्क देखा था कि डी और नॉन डी में क्या डिफरेंस है या इनकी क्या डेफिनेशन है तो चलिए अब हम डी के लिए जो है पर्ट्रवेशन थ्योरी वो डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले कहते हैं, वी अप्लाई पर्ट्रवेशन

जो एनर्जी की वैल्यू होगी वो एक ही होगी इसको हम कहते हैं डी मैनी वेव फंक्शंस, बट वन एनर्जी वैल्यू फॉर ऑल वेव तो उसके लिए आ, यह यहां हमने श्रिंगर इक्वेशन लिखी सबसे पहले विच इज एच साई इज इक्वल टू ई साई अब इसमें यहां जो एच है ये हमने आ, प्रीवियस केस में पढ़ा था दैट एच इज इक्वल टू एच नॉट प्लस एच पी और एच नॉट को हम कहते थे Hp को हम कहते थे अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन और इस एच को हम कहते थे टोटल या फाइनल प्रटर्ब हेमल्टोनियन विच इज इक्वल टू अनपर्टर्ब प्लस हैमिल्टोनियन तो ये यह यहां हमारे पास H की ये वैल्यू है तो हम इस एच की वैल्यू को यहां पुट कर देंगे तो हमारे पास ये एक इक्वेशन आ जाएगी फॉर दर्टर्बड श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अब वो कहते हैं इफ फॉर इंस्टेंस द लेवल ऑफ एनर्जी ई एन जीरो इज एफ फोल्ड डी जनरेट एफ फोल्ड मीन दैट देयर एग्जिस्ट अ सेट ऑफ एफ डिफरेंट आइगन स्टेट साइ एन एल्फा जीरो वेर एल्फा इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर सो वन टू एफ दस्पॉन्ड टू द सेम आइगन इनर्जी ई एन जीरो इनर्जी ई एन जीरो क्या मतलब है कि जो इनर्जी ई एन जीरो है ये तो एक ही वैल्यू होगी लेकिन इसके लिए हमारे पास जो वेव फंक्शंस होंगे या जो आइगन स्टेट्स होंगे ऑफ द वेव फंक्शंस, वो हमारे पास एफ नंबर तक होंगी या एफ डिफरेंट आइगन स्टेट्स होंगी तो ये हमने एक अपनी नई आइगन स्टेट डिफाइन की नॉर्मली तो हम लिखते हैं साई एन लेकिन अब हम ले रहे हैं ई एन जीरो के लिए जीरो मीन कि ये अनपर्टर्ब्ड एनर्जी है तो अनप्रटर्ब एनर्जी के लिए जो हमारी आइगन स्टेट्स होंगी वो हम लिखते हैं साइन जीरो ये तो हमें पता है साइन जीरो हमने पिछले केस में पढ़ा था अनप्रटर्ब आइगन स्टेट कहलाती है लेकिन अब एन की बेस में एन की सबस्क्रिप्ट में हमने एक और पैरामीटर लिखा अल्फा और हमने कहा अल्फा जो है वो वन टू थ्री फोर सो वन टू एफ है यानी कि मैं जब लिखूंगा साई एन जीरो तो यहां अल्फा की जगह पे पहले मैं वन लिखूंगा ठीक है फिर मैं लिखूंगा साई एन टू जीरो फिर मैं लिखूंगा गामा साई एन थ्री जीरो एंड सो ऑन तो अब ये जितने भी आइगन स्टेट्स बनेंगी, तो इन तमाम डिफरेंट आइगन स्टेट्स के लिए हमारे पास एनर्जी की वैल्यू एक ही होगी विच इज ई एन जीरो ठीक है सो अब हमारे पास For, एक नई शुडिंगर इक्वेशन आएगी फॉर दॉप्रटर्ब इनर्जी साइ एन एल्फा जीरो आइगन स्टेट है फॉर एफ नंबर ऑफ आइगन स्टेट्स की एल्फा की वैल्यू वन टू एफ तक चेंज होती रहेगी लेकिन इन तमाम वैल्यूज के लिए हमारे पास एनर्जी की जस्ट एक ही वैल्यू आएगी विच इज ई एन जीरो सो कहते हैं कि अल्फा जो है वो हमारे पास एक से क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो द एनर्जी आइगन वैल्यूज ई एन जीरो आर इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा इन ऑर्डर ऑफ लैमडा मींस लेमडा की पावर जीरो

अब हमने जो परटर्ब वे फंक्शन लिया है साई एन उसको हम लिख रहे हैं साई एन एल्फा जीरो की में। और लेंगे हम उसका लीनियर कम्बिनेशन मीन हम इन तमाम अल्फा की वैल्यूज को ऐड करेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन मीन ऐड अप ऑल द वैल्यूज तो ये साई एन हमारे पास एक आइगन स्टेट है जिसको हम पर्टर्ब आइगन स्टेट कह रहे हैं क्योंकि ये परटर्ब श्रोडिंगर इक्वेशन की हमारे पास आइगन स्टेट है तो यहां हम लिखेंगे समीशन अल्फा इज इक्वल टू वन टू एफ यानी कि यहां हम अल्फा वन लिखेंगे ठीक है फिर हम लिखेंगे प्लस साई एन टू एल जीरो प्लस साई एन थ्री जीरो प्लस साई एन फोर जीरो एंड सो वन टू साई एन एफ जीरो तो इन तमाम वैल्यूज को हम एडअप करेंगे तो इतनी लेंथी क्वेश्चन लिखने से बेहतर हमने समझा कि हम उसको समीशन फॉर्म में लिख लेते हैं दिस आल्सो मीन कि हम अल्फा की वैल्यूज वन से लेके एफ तक पुट करेंगे यहां पर ठीक है और उसके बाद हम इन सबको ऐड करेंगे तुम्हारे पास ऑफकोर्स ये आंसर आएगा सो so, और ए ऑफ एल्फा दिस इज जस्ट द कोफिशेंट दिस इज द कोफिशेंट फॉर बैलेंसिंग द इक्वेशन ठीक है सो दिस इज ऑवर आवरप्रटर्बड आइगनस्टेट फंक्शन विच इज इक्वल टू द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अनपर्टर्ब्ड आइगन स्टेट फंक्शन फॉर एफ डिफरेंट वैल्यू अब वो कहते हैं कंसिडर करें कि ये जो अनपर्टर्बड स्टेट है हमारे पास साई एन एल्फा जीरो वो आर्थो नॉर्मल है विद रिस्पेक्ट टू द लेबल सच दैट साई si n अल्फा जीरो ऑफ ब्रा एंड साई n बीटा जीरो ऑफ कैट जब हम इसका इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो आंसर आता है क्रोनिकल डेल्टा अल्फा बीटा यहां मैं थोड़ी وضاحت करता चलूं ये बीटा हम फर्स्ट टाइम इस टॉपिक में ऑब्जर्व कर रहे हैं बेसिकली जैसे हमारे पास ये एक साई si n अल्फा जीरो एक अनप्रटर्ब आइगन स्टेट है इसी तरह से हमने एक नई स्टेट कंसीडर की साई एन बीटा जीरो। ये भी एक अनप्रटर्ब आइगन स्टेट है इस न्यू अनप्रटर्ब आइगन स्टेट ये हमने खुद कंसीडर किया है एक नई स्टेट ठीक है तो इसकी आ, इसका जब हम इनर प्रोडक्ट लेते हैं इससे तो ये आर्थो नॉर्मल रिजल्ट दे सकता है विच इज इक्वल टू क्रोनिकल डेल्टा एल्फा बीटा अब अगर एल्फा और बीटा ये दोनों सेम होंगे अगर एल्फा बराबर होगा बीटा के ठीक है तो इसका जो आंसर है क्रोनिकल बीटा का वो आएगा वन अगर ये डिफरेंट होंगे एल्फा बीटा के बराबर नहीं होगा तो इसका आंसर आएगा जीरो तो ये आ, जैसे अल्फा की हमारे पास एफ डिफरेंट वैल्यूज थी जैसे कि हमने यहां डिफाइन किया था दैट अल्फा इज़ इक्वल टू वन टू थ्री फोर सो वन टू एफ इसी तरह से ये जो बीटा है यहां पर बीटा की भी ऐसे ही हमारे पास वैल्यूज होंगी दैट बीटा विल बी इक्वल टू वन कॉमा टू कॉमा थ्री एंड सो ऑन टू एफ तो बीटा भी हमारे पास एक अनप्रटर्ब आइकन स्ट्रिएट है फॉर एफ ऑर्डर या आप कह सकते हैं एफ नंबर्स तक तो जब हम साई एन एल्फा और साई एन बीटा हम इसका इनर प्रोडक्ट लेंगे तो इसका आंसर जो क्रोनिकल एल्फा बीटा पे डिपेंड करता है कि अगर अल्फा और बीटा सेम होंगे तो इसका आंसर वन होगा अल्फा बीटा डिफरेंट होंगे तो इसका आंसर जीरो होगा। अब ये जो साई एन हमने स्टेट ली है हम कहते हैं कि ये नॉर्मलाइज स्टेट है नॉर्मलाइज का मतलब ये है कि आप इस इक्वेशन का कॉम्प्लेक्स कांजुगेट लें, टेकिंग कॉम्प्लेक्स कांजुगेट ऑफ दिस इक्वेशन तो साई एन का कॉम्प्लेक्स ले लेंगे और इसी तरह से राइट साइड भी कंप्लीट, उसका कॉम्प्लेक्स ले लेंगे इनका कॉम्प्लेक्स लेंगे तो जो साई एन केट फॉर्म है कॉम्प्लेक्स लेने के बाद वो साई एन ब्रा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ब्रा फंक्शन बन जाएगा ये और राइट साइड पर ये समीशन एज इट इज आ जाएगा जो कोफिशेंट ए एल्फा था वो ए एल्फा का कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और जो साई एन एल्फा कैट फॉर्म में था वो साई एन एल्फा जीरो वो ब्रा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा सो दिस इज ऑफ़ दिस फंक्शन। अब हमारे पास आ, ये नॉर्मलाइज़ेशन फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं हम इजीली कि ये साई एन केट ये हमारे पास आ गया और साई एन ब्रा जो है वो ये आ गया हमारे पास अब हम इन दोनों का इनर प्रोडक्ट ले लेंगे तो देखिए नेक्स्ट पेज पे तो ये साई एन One, और इनकी वैल्यू पुट कर देंगे सबसे पहले हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे ये हमारे पास साई ब्रा की वैल्यू है इज का कॉम्प्लेक्स एंड ब्रॉ ऑफ अल्फा तो ये देखें ये समीशन ये खुद दो, दोनों में है तो हम कॉमन लिख लेंगे और ए ऑफ एल्फा का कॉम्प्लेक्स आ गया वो भी इसी टर्म से आया है और साईन एल्फा ब्रा जो है वो भी इसी टर्म से आया है ठीक हो गया और ऑफ समीशन uh, तो दोनों में कॉमन है इसके बाद हम इस साई एन कैट की वैल्यू लिखेंगे साइए कैट की वैल्यू में हमारे पास ए ऑफ एल्फा आएगा और उसी के साथ ही कैट ऑफ साइए जीरो आएगा ठीक हो गया तो हम इनको इस तरह से लिखेंगे फिर ये जो है ये हमें पता है साई इंटू साई कॉम्प्लेक्स जो है वो इक्वल होता है साई मॉडस् केयर के तो ये ए एल्फा और ए एल्फा का कॉम्प्लेक्स जो है वो ए अल्फा मॉडस्केयर के बराबर होगा ये बिल्कुल ऐसे है जैसे हम लिखते हैं जेड इंटू जेड कॉम्प्लेक्स ये बी एस सी में है एफ एस सी में है जेड इंटू जेड कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू जेड मॉडस्केयर वेरी जनरल फार्मूला तो इसी तरह से हम ए अल्फा कॉम्प्लेक्स और ए अल्फा को जब लिखेंगे तो वो ए अल्फा का बन जाएगा और ये जो आ, साई एन अल्फा जीरो ब्रा है ये उसकी वैल्यू यहां आ गई और ये जो साई एन जीरो कट है जीरो वैल्यू ये आ गई आपके पास अब ये दोनों का इनर प्रोडक्ट आ गया अब ये दोनों ये सेम है साइन अल्फा जीरो तो ऑफ कोर्स इसका जो आंसर है वो क्या होगा वन के इक्वल हो जाएगा व्हेन बोथ स्ट्रेट्स आर सेम देन द इनर प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू वन एंड वी गेट द समीशन अल्फा वन टू एफ ए एफ अल्फा मॉड स्केयर इज इक्वल टू वन तो ये हमारे पास एक जनरल फार्मूला आ गया इस कंसेप्ट को या इस डेफिनेशन को हम आगे यूज करेंगे कि ये जो कोफिशेंट है जो हमने लिया था लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए ए ऑफ एल्फा ऑफ़ एल्फा जो हमने लिया था ये यहाँ पर दिस इज इन दिस इक्वेशन तो ये जो कोफिशेंट है लीनियर कम्बिनेशन काफिशियन एल्फा इसका आंसर वन के इक्वल आता है यानी के मीन्स के इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है ये जीरो नहीं है तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हम अपने फर्दर इक्वेशन में हम इसको यूज करेंगे इसको याद रखिएगा सो वी आर गोइंग टू डिटरमिन कोफिश एंड द फर्स्ट फर्स्टन टू द इनर्जी सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ साई एन तो हमारे पास अनीशियल इक्वेशन थी कौन सी इक्वेशन दिस वन ये जो हमारे पास परटर्ब श्रोडिंगर इक्वेशन थी ठीक है इसमें हमने ये जो साई एन है इस यहां पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हमने एच नॉट प्लस एच पी इंटू साई एन लिखा हुआ था तो साई एन की वैल्यू हमने पुट कर दी है साई एन की वैल्यू क्या होती थी समीशन अल्फा वन टू एफ ए ऑफ अल्फा एंड साई एन एल्फा जीरो विच इज इक्वल टू ई sin sin की वैल्यू ये हमने पुट कर दी एज इट इज अब यहां हमने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में h नॉट इनटू sin अल्फा जीरो मल्टीप्लाई कर दिया और पी से भी sin अल्फा जीरो को इनसाइड मल्टीप्लाई कर दिया जो कोफिशिएंट था उसको हमने बाहर ही रहने दिया ब्रैकेट से उसको हमने मल्टीप्लाई नहीं किया अभी अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया ये जो टर्म है

तो ये जो टर्म है हमारे पास एच नॉट साइए जीरो इसकी वैल्यू को जब हम पुट करेंगे तो इसकी ये वैल्यू वैल्यू आएगी ठीक हो okay, गया जी सो so, uh, हम इस इक्वेशन पर अपने इस लेक्चर का अख्ताम करते हैं और इसकी फर्दर कैलकुलेशन हम अपने पार्ट टू में डिस्कस करेंगे सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम कमेंट हैव एनी क्वेश्चन